नमस्कार दोस्तों डेट है आज की 28 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में देखो आज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये छोटी सी क्लिप आप देखिए छोटी सी क्लिप को देखोगे ना तो प्री से पहले 10 अक्टूबर से पहले एक छोटा सा मौका तो आपको जरूर मिलेगा प्राउड फील करने का देखिए ये क्लिप तो मैंने ओनली आई एक प्लेटफॉर्म है YouTube पर एडिटोरियल डिस्कशंस करते हैं बहुत ही क्वालिटेटिव डिस्कशन होता है मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट आइकॉम्स है समय तो देख लिया आपने क्लिप जैसा देखो आपको पता है ये हैं जागृति अवस्थी इनकी इस बार सेकंड रैंक आई और ये अपनी ओनली एस कम्युनिटी की ही मेंबर हैं तो मुझसे ज्यादा तो मुझे पता है आपको प्राउड फील हुआ होगा क्योंकि देखो हमेशा से मैं आपको बोलता आया हूँ डिस्कशन एक पर्सन से नहीं होती हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं और आपस में सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो सेकेंड रैंक का आना ज़ाहिर तौर पर हमारी पूरी कम्यूटी के लिए गर्व की बात है और इस बार देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है ओनली आई से और मतलब बहुत सारे धीरे धीरे करके मैं उनको शेयर भी करता रहूँगा ताकि आपको भी अच्छा लगे मोटिवेशन मिले बूस्ट मिले और ज़्यादा मेहनत करने के लिए चलो फिलहाल के लिए बहुत है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वैड से संबंधित वैसे तो क्वैड से संबंधित एक दो आर्टिकल हमने हाल फिलहाल में डिस्कस किए हैं लेकिन ये आर्टिकल अच्छा है अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं और यहाँ पे एन आई आर एफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग फ्रेमवर्क से संबंधित आर्टिकल है और ये साइक्लोन गुलाब से संबंधित आर्टिकल है क्वेश्चन जो आपको डिस्कस कर अटैम्प्ट करना है वो ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं और अरेबियन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का एक होटबेड क्यों बनता जा रहा है मतलब यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादा क्यों आने लगे हैं 250 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है चलते हैं आगे फर्स्ट आर्टिकल ओकस के आने के बाद क्वेड के फीके होने के डर से संबंधित है आप जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो हैपीमोर्न जेकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है बेसिक्स से शुरुआत करते हैं देखो क्वेड एक पुराना इनिशिएटिव है जिसमें चार देश हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया इस ग्रुप को बनाने का मकसद ही ये था चाइना को कंटेन करना इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है बेलगाम होता जा रहा है उसको रोकना ये मकसद था क्वेड को इस्टाब्लिश करने का बट देखो क्वैड अभी तक एक मिलिट्री इनिशिएटिव के फॉर्म में नहीं आया है मिलिट्री इनिशिएटिव्स जैसे कि ऐसा कोई कमिटमेंट करें आपस में देश कोई एग्रीमेंट करें कि एक देश को खतरा होगा तो बाकी देश भी आएंगे जैसे नाटो में एग्रीमेंट है नाटो में जो मेंबर्स है ना एक मेंबर फिर भी अटैक होता है तो नाटो के बाकी मेंबर्स उसे अपने ऊपर अटैक मानते हैं जैसे यूएसए पर अटैक हुआ 2001 में तो यूएसए ने युद्ध छेड़ दिया वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया तो यूएसए के अलावा नाटो में बाकी जो मेंबर्स है ना उन्होंने भी यूएसए का साथ दिया क्योंकि नाटो की नीति ही ये है एक मेंबर के ऊपर हमला मतलब सभी के ऊपर हमला उसी प्रकार से क्वेड अभी तक कोई मिलिट्री फॉर्म में नहीं आया है लेकिन बात अभी चल ही रही थी कि क्वेड का भविष्य क्या होगा उससे पहले ही एक और ग्रुप बन गया ओकस जिसमें देखो तीन देश हैं। ऑस्ट्रेलिया है यूके है, है एंड यूएसए है ये जो ग्रुप है ना ये बनते ही मिलिट्री फॉर्म में आ गया है ग्रुप बनते ही यूएसए ने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे ऐसी टेक्नोलॉजी जो यूएसए रेयरली इवन मुश्किल से अपने साथी कंट्रीज के साथ भी नहीं शेयर करता वो टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को देगा बट यूएसए ने ऐसा कुछ कभी नहीं बोला कि क्वेड मेंबर्स के साथ हम कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो क्वेश्चन यही उठ जाता है क्या ओकस के बनने के बाद अभी क्वैड जो है वो इनरेलीवेंट हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा या फिर नहीं होगा ओकस के आने के बाद क्वैड का भविष्य क्या होगा इसके बाद राइटर ये बोलते हैं जब देखो क्वैड बना था ना तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी कि अब इंडो पैसिफिक रीजन में कैड जो है वो चाइना को चैलेंज करेगा कैसे क्वैड के मेंबर कंट्रीज़ आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे हथियार शेयर करेंगे टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे ये सब चीज़ें होंगी बट अभी भी कैड जो है बाकी सारे इश्यूज तो देखो डिस्कस करता है वैक्सीन से लेके ट्रेड से लेके क्लाइमेट चेंज से लेके हर तरह के इशू क्वैड डिस्कस करता है लेकिन मिलिट्री डोमेन में अभी भी क्वैड ने एंटर नहीं किया है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना जो भी क्वैड डिस्कस करता है सिर्फ वो बातें बन के रह गई हैं ग्राउंड लेवल पर इतना कुछ क्वैड के द्वारा किया नहीं जा रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्वैड देखो सिर्फ एक बातचीत की दुकान बन के रह जाएगा मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ होता नहीं है सिर्फ बातें बातें होती हैं चार देश के मेंबर आते हैं बातें करते हैं और चले जाते हैं और ओकस जबकि देखो ओकस में मेंबर कंट्रीज आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रही हैं लेकिन क्वैड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्वेड का देखो ना तो कोई सेकट्रिएट है जैसे एस यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सेकट्रिएट है इसके अलावा चार्टर भी है लेकिन कैड का अपना ना तो कोई देखो चार्टर है ना ही सेकट्रेट है और ना ही क्वैड कोई स्पेसिफिक इश्यू डिस्कस करता है क्वैड सब कुछ ही डिस्कस कर लेता है और ना ही क्वैड अभी तक देखो प्रॉपर ढंग से इंस्टीट्यूशनाइज हुआ है इंस्टीट्यूशन होने का मतलब ये है जैसे देखो बाकी जो इंस्टीट्यूशन नहीं है जैसे ब्रिक्स है जी है इनका फिक्स है कि रेगुलर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होंगी ये ब्रिक्स की ब्रांच है ये जी की ब्रांच है लेकिन क्वैड का अभी कुछ भी फिक्स नहीं है कब कब समिट ऑर्गेनाइज होगा कहाँ पर हेडक्वार्टर है ग्रुप की जो निटिग्रिटीज होती है ना अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है क्वैड का इंडिया का देखो ये कहना है कि क्वेड और ओकस के बीच में कोई भी लिंक नहीं है लिंक तो देखो है ही ना मतलब ओकस में जो दो तिहाई मेंबर्स हैं वो तो क्वेड के ही है ना अगर कल को ओकस को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्वेड पर देखने को मिलेगा वैसे इंडिया तो देखो ये भी बोलता है कि क्वैड और मालाबार एक्सरसाइज में कोई डिफरेंस नहीं है <laughs> मजाक की बात नहीं लगती आपको मालाबार एक्सरसाइज में चार देश कौन से पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए और यही चार देश तो क्वैड में हैं फिर कैसे इंडिया कह सकता है कि आपस में लिंक नहीं है लिंक है उसी प्रकार से ओकस और क्वैड के बीच आपस में लिंक है इसके बाद राइटर ये बोलते हैं अगर देखो क्वैड का जो ग्रुप है अपनी शाइन खो देता है यानी ठंडे बस्ते में चला जाता है कोई प्रोमिनेंस इसको नहीं मिलती है तो इंडिया को नुकसान होगा इंडिया को नुकसान क्यों होगा क्योंकि देखो क्वैड इसीलिए बना है इंडो पैसिफिक रीजन को पीसफुल और स्टेबल बनाया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन देखो आज के समय में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ इंडिया कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है वेस्ट में पाकिस्तान है अफगानिस्तान में सिचुएशन इंडिया के पक्ष में नहीं है तालिबान आ चुका है चाइना ऊपर नॉर्थ में हमें तंग करके बैठा है तो कम से कम इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक बड़ी मेरी पावर बन के उभर सकता है और इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ अपना अलायंस बना सकता है चाइना से निपटने के लिए मतलब एक चाइना को भी सिग्नल होगा ना अगर आप लद्दाख रीजन में एग्रेशन दिखाओगे तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के साथ ही दोस्त हैं मिलके हम चाइना पर लगाम कसेंगे तो चाइना जैसे ताइवान को तंग नहीं करता ज़्यादा उस प्रकार से इंडिया को भी ज़्यादा तंग नहीं करेगा हालांकि कंपैरिजन नहीं है देखो कहीं भी ताइवान और इंडिया का लेकिन सिर्फ एक बोलने की बात है इवन देखो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की भूमिका इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर सी ई पी ये इनिशिएटिव तो इंडिया ने ज्वाइन किया नहीं था सोलह देश पहले होने वाले थे इस इनिशिएटिव में लेकिन इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया इसको अभी सिर्फ पंद्रह देश हैं तो देखो अगर क्वैड ग्रुप मजबूती के साथ काम करता है क्वैड ग्रुप अगर एक्टिव रहता है तो इससे इंडिया को ही फायदा होगा मान लीजिए क्वैड का इनिशिएटिव अभी सिर्फ एक सिक्योरिटी ग्रुप है आगे चल के क्योंकि देखो सिक्योरिटी को आप इकोनॉमी से अलग करके नहीं देख सकते ये हमने कोविड नाइन्टीन के दौरान देखा कि किस प्रकार से चाइना के पास चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था दुनिया का और चाइना ने दुनिया को बहुत तंग किया विभिन्न देशों को बहुत तंग किया जरूरी जो आवश्यकताएं थी जरूरी मतलब प्रोडक्ट्स थे उनको भेजने में ब्लैकमेल किया चाइना ने तो सभी देशों ने सोचा कि देखो सप्लाई चेन्स को हमें थोड़ा रीओरिएंट करना होगा चाइना पर डिपेंडेंसी ख़त्म करनी होगी तो उसी प्रकार से क्वैड शुरू में अगर सिक्योरिटी ग्रुप बनता है तो बाद में जाके इकोनॉमिक ग्रुप भी बन सकता है जिससे इंडिया को ही फायदा होगा लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया नहीं चाहता कि क्वैड एक सिक्योरिटी ग्रुप बने इंडिया को डर ये लगता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है ना वो खो जाएगी आज़ादी के बाद से ही इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी बरकरार करता आया है जैसे देखो जैसे ही देश आज़ाद हुआ ना ये पाकिस्तान जो था इसने यूएस का ग्रुप ज्वाइन कर लिया सीटो सेंटो इनके बारे में आप पढ़ते हो जो कोल्ड वार के दौरान ग्रुप्स बने थे एशिया में पाकिस्तान ने उन ग्रुप्स को ज्वाइन किया यानी यूएसए का चेला बन गया लेकिन इंडिया ने नहीं किया इंडिया बाद में इंडिया ने यूएसएसआर के साथ नाइनटीन में ट्रीटी साइन की थी लेकिन इंडिया पाकिस्तान की तरह पूरी तरह से किसी का चेला नहीं बना और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी इंडिया बरकरार रखने में कामयाब रहा अब जो बिगनर हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है उन्होंने सोचा होगा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का मतलब देखो ये होता है जब कोई देश अपने डिसीजंस खुद से लेता है नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर बिना किसी के दबाव में आए बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए जैसे देखो जापान साउथ कोरिया ये अभी यूएसए के साथ ही हैं फॉरेन पॉलिसी में जापान और साउथ कोरिया बहुत सारे डिसीजन यू के दबाव में लेते हैं अपने आप से वो डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए के ऊपर है तो इंडिया को डर ये लगता है कि हम किसी ग्रुप में शामिल हो गए ना फॉर एग्जाम्पल यूएसए के किसी सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल हो गए तो इंडिया भी अपनी आज़ादी खो देगा डिसीजंस लेने की फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे डिसीजंस हमें यूएसए के दबाव में लेने पड़ेंगे जो इंडिया नहीं चाहता इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी बनाए रखना चाहता है इंडिया चाहता है हम हमारे डिसीजंस खुद लें बट देखो बात यह है अब इंडिया को थोड़ा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा अगर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को लेकर डरता रहेगा तो फिर इंडिया यह कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जिनके साथ इंडिया की सोच मिलती है कि हाँ चाइना को कंटेन करना है चाइना का मुकाबला करना है क्यों ये देश इंडिया का साथ देंगे अगर इंडिया किसी मिलिट्री ग्रुप में ही नहीं ज्वाइन करना चाहता क्योंकि इंडिया को डर है कि हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी ना खो दें राइटर एक बात यह भी बोलते हैं कि डोमेस्टिक कंसिडरेशन भी ध्यान में है सरकार को सरकार को यह लगता है हालांकि देखो यह पॉइंट आंसर में यूज करने लायक है नहीं मैं आपको बता देता हूं वैसे ही राइटर कहते हैं अगर क्वेड एक मिलिट्री ग्रुप बनता है सिक्योरिटी ग्रुप अगर क्वेड बनता है ये सारे देश मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो फिर चाइना इससे चिड़ जाएगा चाइना इंडिया से चिड़ जाएगा और लद्दाख रीजन में ज्यादा टेंशन हो जाएंगी इनकर्जेंस जो है वो चाइना की और ज्यादा बढ़ जाएंगी और आगे इलेक्शंस हैं तो सरकार नहीं चाहती कि चाइना के साथ अभी कैसी भी टेंशन जो हैं वो बढ़े ऑस्ट्रेलिया को पहले यही डर लगता था ऑस्ट्रेलिया भी चाइना को लेकर थोड़ा डरता था हेजीटेंसी थी हिचकिचाहट थी ऑस्ट्रेलिया की भी लेकिन कोविड नाइन्टीन के बाद ना अब ऑस्ट्रेलिया खुलेआम चाइना के अगेंस्ट आ गया है कि कर लो तुमसे कुछ होता हो तो बिगाड़ लो कुछ तुम हमारा बिगाड़ सकते हो पूरा ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रकार से बोल दिया है चाइना को इनडायरेक्टली यूएसए से ये न्यूक्लियर पावर्ड समीन परचेज करके क्वैड में शामिल होके ओकस में शामिल होके उसी प्रकार की हेजिटेंसी अब इंडिया को भी छोड़नी होगी तो ये पूरा आर्टिकल है चलते हैं आगे इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एन से संबंधित है एन का क्या मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इसके बारे में हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इस रैंकिंग में हमारे देश की वेरियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी जाती है छठा एडिशन हाल ही में रिलीज हुआ इस रैंकिंग का नाइन्थ सेप्टेम्बर को पांच पैरामीटर्स के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की जाती है पांच में से एक पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी इस पैरामीटर के अंदर एक सब पैरामीटर भी है रीजनल डाइवर्सिटी फिर से बोलता हूं पांच पैरामीटर्स के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है पांच में से एक पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और इस पैरामीटर के अंदर भी एक सब पैरामीटर है जिसका नाम है रीजनल डाइवर्सिटी उस पर बेस्ड है ये आर्टिकल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग स्टेट्स के कितने बच्चे पढ़ते हैं उसके आधार पर स्कोर दिया जाता है विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को इस रीजनल डाइवर्सिटी सब पैरामीटर में और जो फॉर्मूला है ना उसको लेकर राइटर को दिक्कत है अभी फॉर्मूला ये है रीजनल डाइवर्सिटी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटू फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड फ्रॉम अदर स्टेट्स प्लस फाइव इंटू फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज यानी ये देखा जाता है रीजनल डाइवर्सिटी सब पैरामीटर में स्कोर देते वक्त विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कि दूसरे राज्यों से कितने स्टूडेंट्स उस कॉलेज में इनरोल्ड हैं और दूसरे देशों से कितने स्टूडेंट्स उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं और एक बार यह पता लग गया तो फिर इस फार्मूले से रीजनल डाइवर्सिटी सब पैरामीटर में स्कोर कैलकुलेट कर लिया जाता है राइटर कहते हैं दिक्कत है इस फॉर्मूले में दिक्कत क्या है मान लीजिए यूपी है अब देखो दिल्ली के किसी कॉलेज में यूपी के 100 में से निन्यानवे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो सोच के देखिए सिर्फ एक स्टूडेंट मान लीजिए दिल्ली का है निन्यानवे स्टूडेंट्स यूपी के हैं तो फिर उस कॉलेज को रीजनल डाइवर्सिटी के मामले में स्कोर हाई मिलेगा तो इसलिए राइटर कहते हैं ये जो फॉर्मूले में अदर स्टेट लिख रखा है ना अदर स्टेट का मतलब क्या है काफी मिसलीडिंग है अदर स्टेट का मतलब तो यूं भी तो हो सकता है ना कि किसी दूसरे एक ही स्टेट से ये सारे स्टूडेंट किसी कॉलेज में आ गए हों तो फॉर्मूले में सुधार की आवश्यकता है सुधार क्या होना चाहिए देखो दोनों डायरेक्शन में सुधार होना चाहिए होरिजेंटल डायवर्सिटी के डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायवर्सिटी के डायरेक्शन में भी पहले बात करते हैं हॉरिजेंटल डायवर्सिटी की स्टूडेंट से स्टूडेंट के बारे में जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए ना तो ये पता लगाना चाहिए कि भैया आप कौन से स्टेट से आते हो जो जिस कॉलेज में सबसे ज्यादा स्टेट से स्टूडेंट अगर आते हैं ना मान लीजिए एक यूपी से है मध्य प्रदेश से भी है हरियाणा से भी है केरला से भी है साउथ से भी है तो जितने ज्यादा अलग अलग स्टेट से जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं ना उसको ज़्यादा स्कोर दिया जाए रीजनल डाइवर्सिटी के पैरामीटर में सब पैरामीटर में समझ गए तो अदर स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट से ज्यादा स्टूडेंट आ गए हो यह भी देखा जाए होरिजेंटल डाइवर्सिटी कितनी है मतलब क्या अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट आए हैं या फिर नहीं आए हैं तो ये तो मतलब हो गया होरिजेंटल डाइवर्सिटी का मतलब अदर स्टेट में ज्यादा से ज्यादा स्टेट होने चाहिए ऐसा नहीं कि यूपी से ही सारे के सारे स्टूडेंट्स हों दिल्ली के किसी कॉलेज में तो उस उसे रीजनल डाइवर्सिटी के मामले में उसे ज्यादा स्कोर दे दिया जाए नहीं अदर स्टेट का मतलब ज्यादा से ज्यादा अलग अलग स्टेट होरिजेंटल डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए अब बात करते हैं वर्टिकल डाइवर्सिटी की वर्टिकल डाइवर्सिटी का मतलब अगर देखो कोई अलग राज्य से है तो भी क्या वो गांव से है टाउन से है मेट्रोपॉलिटन सिटी से है नॉन मेट्रोपॉलिटन बिग सिटी से है ये भी तो पूछो ना अगर मान लो दिल्ली के किसी कॉलेज में अलग, अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स हैं चलो मान लिया अच्छी बात है अलग अलग, अलग राज्यों से स्टूडेंट्स हैं रीजनल डाइवर्सिटी के सब पैरामीटर पर वो कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन भैया अगर वो सारे के सारे जो अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज से, है, सिटी से है, हैं बिग सिटीज से हैं जैसे हैदराबाद मुंबई चेन्नई कोची सारी बड़ी बड़ी सिटीज से हैं तो फिर क्या फ़ायदा तो ये भी देखो वर्टिकल डाइवर्सिटी कितनी है अलग अलग राज्यों से जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो गाँव से भी हैं टाउन से भी हैं मेट्रोपोलिटन सिटीज से भी हैं नॉन मेट्रोपोलिटन बिग सिटीज से भी हैं तो वर्टिकल डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए तो लास्ट में डायरेक्टर यही बोलते हैं देखो ये जो रैंकिंग है ना एन की ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे विभिन्न कॉलेजेस में हेल्दी कंपटीशन पैदा होता है बच्चे एडमिशन लेते हैं लेते हैं देख कर कि कौन से कॉलेज को कौन से यूनिवर्सिटी को रैंकिंग अच्छी मिली है पेरेंट्स भी ये रैंकिंग देखते हैं सरकार भी इसके आधार पर फंड्स जारी करती हैं तो इसलिए हर एक जो पैरामीटर या फिर सब पैरामीटर है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एफिशिएंसी होनी चाहिए मतलब सही स्कोर मिले सभी कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ को ये जरूरी है इस रैंकिंग में तो फिर जो ये सब पैरामीटर है ना रीजनल डाइवर्सिटी इसमें सुधार की आवश्यकता है ये हमने पूरा आर्टिकल आर्टिकल डिस्कस किया चलते हैं आगे इसके बाद नेक्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बढ़ते चैलेंजेस से संबंधित है आप जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो क्या कंटेस्ट है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से साइक्लोन गुलाब टकराया सेप्टेम्बर में देखो काफी रेयरली बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं लेकिन इस सेंचुरी में यानी 21वीं सेंचुरी में तीसरी बार ऐसा है कि सितंबर में बंगाल की खाड़ी में कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आया हो जब आंध्र प्रदेश के तट से ये साइक्लोन टकराया तो स्पीड थी 70 नोट्स हम हमारे देश में इस साल की शुरुआत में जो साइक्लोन ग्यास या फिर साइक्लोन टोकटे आए उनसे तो देखो ये साइक्लोन थोड़ा कम खतरनाक था फिर भी कितना जाल माल का नुकसान हुआ है इस साइक्लोन गुलाब की वजह से ये अभी एसेस किया जा रहा है और मछुआरों के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट के आसपास से मछली पकड़ना अभी भी खतरे से खाली नहीं है इसके बाद ये कहा जाता है आर्टिकल में इस साइक्लोन की वजह से कुछ डेथ्स की खबरें आ रही हैं और प्रॉपर्टी का नुकसान तो देखो हुआ ही है जब भी इस प्रकार के साइक्लोन्स सा आते हैं ना जान का तो नुकसान होता ही है माल यानी प्रॉपर्टी का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं रोड्स जो हैं वो तबाह हो जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की जो लाइंस हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचता है तो अभी जैसे केस स्टडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जिले में साइक्लोन आया है आपकी प्रायरिटीज़ क्या होंगी आप कैसे सिचुएशन से निपटोगे तो उस प्रकार के पॉइंट्स इस आर्टिकल में मिलते हैं कि साइक्लोन गुलाब से जो लोग प्रभावित हुए हैं सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए उन्हें शेल्टर यानी शरण दी जाए उन्हें फूड दिया जाए उन्हें हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए यानी प्रशासन को अपनी पूरी कैपेबिलिटी के, के साथ उतरना होगा ऐसी लोगों की सहायता करने के लिए वैसे देखो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जिसमें अरेबियन सी भी आता है और बंगाल की खाड़ी भी आती है यहाँ पर पूरे साल में वर्ल्ड में जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं ना उसका सात परसेंट नॉर्दर्न इंडियन ओशन में आते हैं लेकिन इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो इंपैक्ट है नॉर्दर्न इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा पड़ता है क्यों क्योंकि देखो जैसा आपको पता है हमारे देश में ना पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और जनता गरीब भी है तो इस वजह से जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉर्दर्न इंडियन ओशन में आते हैं ना वो भारी तबाही मचाते हैं कोस्टल एरियाज़ में बहुत से लोग रहते हैं फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है अभी भी वीक है यानी इंश्योरेंस लोगों का होता नहीं है बहुत से देशों में तो इंश्योरेंस अच्छा होता है कि हाँ साइक्लोन से अगर तबाही हुई घर टूटा तो पैसे मिल जाएंगे लेकिन हमारे देश में फाइनेंशियल अरेंजमेंट काफ़ी वीक है सरकार सहायता भी करती है तो उसमें करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जैसे अम्फान साइक्लोन आया पश्चिम बंगाल में आरोप लगते हैं कि वहाँ पे साइक्लोन के साइक्लोन के आने के बाद लोगों को जो रिलीफ दी गई ना उसमें धांधलेबाजी काफ़ी ज़्यादा हो गई ऑफिशियल्स के द्वारा और जितनी सहायता सरकार के द्वारा दी गई उतनी सहायता लोगों तक पहुंची नहीं और देखो क्लाइमेट चेंज भी काफी तेजी से हो रहा है क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा आने वाले दिनों में साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी पर मतलब अभी कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि साइक्लोन्स बढ़ेंगे लेकिन एग्जैक्टली exactly क्या असर होगा उस पर अभी रिसर्च चल रही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो तो देखो बढ़ती जा रही हैं दो तक अगर पूरा वर्ल्ड नेट जीरो एमिशन तक नहीं पहुंचा तो, तो देखो क्लाइमेट चेंज और भी ज्यादा होगा और ये जो साइक्लोन्स हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा आएंगे और ये देखो एक ऐसी चीज है जो अकेले इंडिया के बस की बात नहीं है मतलब क्लाइमेट चेंज को इंडिया अकेला एड्रेस नहीं कर सकता ना तो ना सिर्फ इंडिया को जो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पर थर्ड लार्जेस्ट एमीटर है ग्रीन हाउस कैसेज के मामले में तो ना सिर्फ इंडिया को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में बल्कि दूसरे देशों के साथ भी इंडिया को एक्टिवली एंगेज करना होगा कि देखो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना जरूरी है अदरवाइज वर्ल्ड के बहुत से गरीब लोग वनरेबल हैं जिन पर देखो सबसे ज़्यादा असर होगा क्लाइमेट चेंज का तो ना सिर्फ हमें ऑलरेडी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने की आवश्यकता है उससे करने की आवश्यकता है बल्कि और ज्यादा क्लाइमेट चेंज ना हो और ज्यादा ग्रीन हाउस का ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन ना हो यह भी हमें इंश्योर करने की आवश्यकता है यह भी इंश्योर करने के लिए एक्टिवली प्रयास करने की आवश्यकता है तो यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया साइक्लोन्स से संबंधित हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन